नमस्कार दोस्तों, गौतम स्पेशल स्टडी मटेरियल बाय अनिल कुमार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मैं आज का ये वीडियो हिंदी पर, हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मैंने जो है बनाया है, वो हिंदी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो कि UPPCL आपके UP SSSC वीडियो, UPPCL, UPTET और CTET, लेखपाल और भी जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं जिनमें हिंदी जो है पूछी जाती है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में मैंने शामिल किया है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। अगर आपने किसी भी प्रश्न को यहाँ पर मिस किया तो आपके लिए जो है कहीं ना कहीं जो है आपका नुकसान हो सकता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, और क्योंकि सभी क्वेश्चन आप देखेंगे कि बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपको लगेगा हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे गौतम स्पेशल स्टडी मटेरियल्स टेलीग्राम चैनल पर जाके वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। वहाँ पर मैं रेगुलर जो है इसकी PDF प्रोवाइड करा देता हूँ। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न जो है वो है फूल का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे आपको फूल का पर्यायवाची बताना है नहीं है। तो इसके पहले मैंने जो है 30 क्वेश्चंस पे डिस्कशन किया था। 50 क्वेश्चन जैसे आपके वीडियो में जो है 50 क्वेश्चन आएंगे, तो उसी में जो है आज इस उस सेशन के जो है 20 क्वेश्चन रह गए थे जिन पर मैं आज डिस्कशन करूंगा, तो उन्हीं पे जो है आज जो है बात होगी और उनको जो है सॉल्व किया जाएगा। तो आप एक पेपर और पेन लेकर बैठ जाएं, जितने भी प्रश्न आपके सामने आते जाएंगे उन्हें आप जो है आंसर करेंगे। तो आप अपना आंसर नोट डाउन करते रहिएगा, वीडियो के लास्ट में देखिएगा कि आपने कितने प्रश्नों को यहाँ पर सही किया है। तो आप देख रहे हैं कि पहला प्रश्न जो है यहाँ पर आपके सामने है, तो फूल का जो है पर्यायवाची नहीं है, सुमन, पुष्प, तनुजा, कुसुम। तो यहाँ पर जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको आंसर पता है तब तो आप जो है सीधे जो है आंसर को मार्क करेंगे कि इसका जो है ये ऑप्शन सही होगा। बाय द वे, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो है आंसर नहीं पता होता है, तब हम क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें, तो वहाँ पर आप क्या करिए, वहाँ पर एलिमिनेशन मेथड को वहाँ पर आप जो है यूज़ करें। एलिमिनेशन मेथड अब क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड में आप क्या करेंगे कि वहाँ पर आपको क्या करना है कि जो ऑप्शन है उन्हें एलिमिनेट करना है, यानी कि उन्हें हटाना है कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो लास्ट में जो बचेगा वही उसका आंसर होगा। तो आइए मैं उसको दिखाता हूँ वो कैसे जो है काम करता है। तो यहाँ पर जैसे कि फूल का पर्यायवाची आपको बताना है, तो यहाँ पर आप देख जान रहे हैं फूल, सुमन जो है फूल का पर्यायवाची होता है, तो ए यहाँ पर आंसर नहीं होगा। पुष्प क्या है, बी पुष्प तो जो है फूल का पर्यायवाची है, तो यहाँ पर ए भी आंसर नहीं होगा। तनुजा सी, यानी कि हो सकता है तनुजा, अभी क्योंकि ये कन्फ्यूज़न में हम हमें नहीं पता है कि ये फूल का पर्यायवाची होता है या नहीं होता है, उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे पहुँचते हैं। तो यहाँ पर हम डी देखते हैं, तो ये है कुसुम। कुसुम जो है यहाँ पर जो है आप देखेंगे सी और डी में जो है आपको यहाँ पर कंपेयर करना है, तो यहाँ पर कुसुम भी आपको पता है ये फूल का एक पर्यायवाची होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर जो है एक ही बचता है, वो है आपका ऑप्शन सी। तो यहाँ आंसर आपका कौन सा हो गया सही, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है सी, तनुजा जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है किस रस को रसराज कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस रस को रसराज कहा जाता है, वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस या शांति रस। तो यहाँ पर रसों का राजा जिसे कहा जाता है दोस्तों, तो उसे हम जो वीर रस है, हास्य रस, श्रृंगार और शांति रस, तो दोस्तों शांत रस इसका जो है सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑप्शन माफ़ कीजिएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। श्रृंगार रस जो है रसराज कहा जाता है। अब रसराज इसे क्यों कहा जाता है, ताकि आप जानते होंगे कि जो है जो श्रृंगार रस के जो कवि होते हैं यहाँ पर जो है थोड़ा प्रेमी प्रेमिकाओं का इनका सबका जो है वर्णन किया जाता है, सुंदरता हो गई और जो प्रेम होता है प्रेम प्रसंग पे जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छे से जो है उसे एक्सप्लेन किया जाता है, व्याख्या की जाती है। तो यहाँ पर जो और जो कवि होता है और जो लेखक होते हैं इस पे जो लिखते हैं वो जब उनकी कविताओं को आप पढ़ेंगे तो आपको आप उसमें जो बिल्कुल भाव भाव विभोर हो जाते हैं, यानी कि खो जाते हैं। तो वहाँ पे जो है आपको एक देखा जाए तो बहुत ही अच्छा अनुभव होता है, आपको आनंद प्राप्त होता है, इसीलिए जो इसे ये जो है बहुत ही इस पे डीपली जो है काम किया गया है। तो यहाँ पर जो है इसी इसे जो है क्या कहा गया, रस श्रृंगार रस को ही यहाँ पर रसराज कहा गया। अगला प्रश्न है यहाँ पर देख लेते हैं। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में,
गर्व करे क्या इतना। तो यहाँ पे अब बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा रस है, तो यहाँ पे कौन सा रस है यही बताना है, भक्ति रस है या श्रृंगार रस है, करुण रस है या शांत रस है। तो यहाँ पर भी आप जो है एलिमिनेशन मेथड बहुत ही अच्छे से लगा सकते हैं कि यहाँ पे देखो, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह के क्या क्या नहीं बातें की जा रही उसको एलिमिनेट करें। तो क्या यहाँ पर आपको लगता है कि एक श्रृंगार रस है? नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल भी यहाँ पर जो है श्रृंगार रस यहाँ पर नहीं है। क्या इसमें कहीं भक्ति की बात की जा रही है? तो बिल्कुल भी नहीं की जा रही, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर अगला देखते हैं, यहाँ पर क्या इसमें कहीं दुख दर्द है ऐसा कुछ? तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। करुण रस तो यहाँ पर नहीं है। तो एक ही मेथड, एक ही चीज़ बचती है, वो है आपका डी, यानी कि यहाँ पर कौन सा रस है, वो शांत रस है यहाँ पर। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप सीधा डी को मार्क करें, अगर नहीं पता है तो आप एलिमिनेशन मेथड लगाएं और आंसर यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, जिन छंद में चार चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, वह कहलाता है दोहा, सोरठा, रोला और चौपाई। तो दोस्तों, चार जिस जिन छंद में जो है चार चरण और प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं, उसको हम यहाँ पर कहते हैं चौपाई। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर चौपाई। और भी यहाँ पर देखना है तो आपको जो है ए और बी जो है यहाँ पर दोहा और सोरठा, तो दोहा और सोरठा में से क्या है, आप जो है दोहा को याद कर लें तो सोरठा आपका तैयार हो जाएगा, सोरठा याद कर लें तो दोहा तैयार हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं यहाँ पर। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं अब यहाँ पर, अगला प्रश्न है आपका सभी, कल्पवृक्ष का पर्यायवाची है पारिजात, कल्पतरु, देव देववृक्ष या ये सभी। तो इसका जो है सही आंसर होगा डी, ये सभी जो है कल्पवृक्ष के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, हिंदी की जननी क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी को इस प्रश्न का आंसर पता होगा कि पाली है, संस्कृति है या अपभ्रंश है या प्रकृत है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों, तो वो है आपका विकल्प बी। विकल्प बी जो सही आंसर होगा, संस्कृति को जो है हिंदी की जननी माना जाता है। उसके बाद आता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 अक्टूबर, 14 सितंबर, 11 जून या फिर 15 सितंबर को। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो भी आपका विकल्प बी होगा, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान ना प्राप्त कर सका, नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्यांशों में रेखांकित शब्द की जो है क्या करें, शुद्ध वर्तनी निकालें। तो यहाँ पर जो है रेखांकित शब्द की बात करें, तो यहाँ पर जो है अध्ययन जो है रेखांकित शब्द था, तो अध्ययन को जो है यहाँ पर शुद्ध वर्तनी बताना है। ए होगा बी सी डी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अविकारी शब्द क्या होता है, संज्ञा होता है, सर्वनाम, अव्यय होता है या विशेषण होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यहाँ पर आपका वो होगा विकल्प सी, अविकारी शब्द जो क्या होता है, एक अव्यय होता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या क्या है, 32, 34, 33 या 36? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका विकल्प सी, 33 है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यांशों को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों चुनकर लिख विकल्प को जो है में से चुनकर लिखना है। क्या है, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन। कुछ भी बन बस कायर मत बन, तो यहाँ पर एक जो है पोएम दी हुई है, ले ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा, बहा युगों तक खून पसीना। कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है यहाँ पर, आंसू के गम के आंसू पीने की या फिर आत्मसमर्पण की, रुकावटों को ठोकर मारने की या कुछ भी ना बनने की? तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, इसको जो है आप जब पढ़ेंगे तो आपको इसका जो है सार निकल के आएगा, इसका जो है एक जो है समरी आएगी, तो उससे जो है इससे आपको आंसर मिलेगा। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का जो आंसर क्या है। तो दोस्तों, इसका सही जो कहना चाह रहा है कवि यहाँ पर, वो ये कह रहा है कि रुकावटें जो हैं उनको ठोकर मारने को कह रहा है, उन्हें ठोकर मारो और आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इन पंक्तियों में कायर का अर्थ क्या है, सहज, समझौतावादी, चालक, चालाक या दुष्ट? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे बी। यहाँ पर कायरता से ये कहना चाह रहा है कि आप समझौतावादी यानी समझौता ना करें, आप जो है समझौता अगर करेंगे तो आप जो है लाइफ में जो है अपने जीवन में जो है उतना आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जितने में हैं आप उसी में समझौता करेंगे और आगे बढ़ने की आपकी इच्छा जो है वहीं पर जो है मर जाएगी या खत्म हो जाएगी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कुछ भी बन
बस कायर मत बन, कवि ने क्यों कहा है, कुछ भी बनना आसान है, कुछ भी बनना मुश्किल है, कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, कायर मनुष्य अच्छा नहीं होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा यहाँ पर तो वो है आपका विकल्प सी, कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, इसीलिए उसने क्या कहा, कुछ भी बन बस कायर मत बन। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पाहन शब्द का पर्यायवाची यहाँ क्या होगा, मेहमान, पैर, पत्थर या पर्वत। तो इस प्रश्न का जो यहाँ पर सही उत्तर होगा 44 का, तो वो है आपका यहाँ पर जो जिस तरीके से इसे यूज़ किया गया है यहाँ पर प्रश्न में, आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि तेरी राह रोकते पाहन। तो यहाँ पर जो इसका जो है सही आंसर जो होगा यहाँ पर दोस्तों वो है आपका विकल्प सी, पत्थर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है, आदर्शवादी, समझौतावादी, खून पसीना बहाकर, रुकावटों को ठोकर मारकर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है विकल्प बी, समझौतावादी, जीवन जो है व्यर्थ है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, तो जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है उसे क्या कहेंगे, अव्ययी भाव कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे, या द्वंद्व समास, या कर्मधारय समास कहेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वहाँ पर आपका होगा द्विगु। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, तो वहाँ पे क्या होगा, अव्ययी भाव होगा, द्विगु समास होगा, द्वंद्व समास होगा, या कर्मधारय समास होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आपका वो है यहाँ पर ऑप्शन बी, कर्म, वहाँ पे कौन सा होगा, द्विगु समास होगा, जहाँ पर संख्यावाचक होगा तो वहाँ पर आपका क्या होगा, द्विगु समास होगा। अगला प्रश्न है, राजपुत्र में कौन सा समास है, तत्पुरुष है, द्विगु समास है, या फिर द्वंद्व समास, कर्मधारय। तो इसका प्रश्न जो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका तत्पुरुष समास होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित विकल्पों में से यहाँ पे बताना है, बेमेल शब्द को चिन्हित कीजिए, समस्या, खेद, कठिनाई और जटिलता। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका विकल्प बी। आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था, जैसे कि देखा जितने भी पिछले प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर था उसमें जो क्वेश्चन छूट गए थे उन पे आज मैंने सभी पे डिस्कशन किया, सभी के सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को जो है ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे और लाभकारी रहेंगे, आप जो है इनका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएंगे। और आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में जो है बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।